बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपनी चैनल में वेलकम करती हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी वो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर बहुत कम है इस टाइप की वीडियोस। सो मैंने सोचा आप लोगों की रिकमेंडेशन को पूरा किया जाए और आपके लिए वीडियो बनाई जाए। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मेरे पास पिगमेंटेशन और फ्रिकल्स के हवाले से, सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं और उसमें ये बताऊं आप लोगों को कि फ्रिकल्स किस वजह से आते हैं और साथ साथ अगर आ जाते हैं तो उन्हें रिमूव कैसे किया जा सकता है। कल मैंने किया था फास्ट ग्लो क्रीम पर रिव्यू, अगर आपने नहीं देखा है और आप किसी फेयरनेस क्रीम की रिव्यू को वॉच करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अपने मसले को हल कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो हमारा टॉपिक है पिगमेंटेशन और फ्रिकल से रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं, पर मैं आपको वही चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपके लिए सही हो और बेहतर हो। सो यहाँ पर मेरे पास दो क्रीमें हैं जो कि फ्रिकल्स और पिगमेंटेशन के लिए, दोनों ही क्रीमें इस ही मकसद के लिए बनाई गई हैं। सो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है और कौन सी आपको यूज करनी चाहिए और किस चीज से रिलेटेड जो है ये दोनों सही तरीके से वर्क करती हैं। तो अब यहां पर मैं सबसे पहले बात कर लेती हूं कि मेरे पास मौजूद है पहला एक प्रोडक्ट जो कि है इंस्टेलमेंट्स की फ्रिकल क्रीम। फ्रिकल कहें, मलास्मा कहें या पिगमेंटेशन कहें, प्रॉब्लम सारी चेहरे को ख़राब करने वाली ही होती हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम से आपके चेहरा बहुत ज़्यादा बदनुमा और अजीब लगता है। यहाँ तक कि गर्ल्स हों तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि आपको बाहर आने जाने में भी बहुत मसला होता है, फिर वही आप मेकअप का सहारा लेते हो। जब आप मेकअप का सहारा लेते हो पर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती आपको कि आप इतना मेकअप करते हो या लोग जो भी आपको बोलते होंगे। सो मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो और आप लोग इस वीडियो की मदद से अपने मसले को हल कर सकें। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रिकल्स ये सारी चीज़ें आती क्यों हैं आपके फेस के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मौसम चेंज होता है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं आपके स्किन के स्किन से रिलेटेड, तो आपकी जो स्किन के हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो आपके स्किन पर चेंजेस आती हैं, चाहे वो ब्लैक हेड्स हो जाएँ या फ्रिकल्स हो जाएँ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आप फुल केयरिंग ना करें, अगर अपनी स्किन की फुल क्लीनिंग ना करें। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, काफ़ी सारी जो ख़वातीन होती हैं जब वो प्रेगनेंसी के मरहले पे स्टेज पर होती हैं तो वो अपनी केयरिंग नहीं करती हैं, यानी कि उनकी ऐसी ऐसी तबीयत जो है वो ख़राब होती है। जैसे कि मैं ख़ुद भी बता सकती हूँ आपको कि ऐसा भी एक दिन आता है कि आपका मन भी नहीं करता कि आप चेहरा भी धोएं या अपनी केयर करें या बाल बनाएं। ऐसी कंडीशन होती है कि वही समझ सकता है जो वही औरत समझ सकती है जिसके साथ वो गुजरती है। तो मैं आपको बता दूँ, चाहे कोई भी टाइम पीरियड हो पर आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, सो उस टाइम पीरियड में आकर आप अपनी स्किन का ध्यान छोड़ देती हैं तो जो खावतीन छोड़ देती हैं तो उनके साथ पिगमेंटेशन की, कील महासों की, फ्रिकल्स की और ये सारे दाग धब्बे जो हैं वो आ जाते हैं जब वो अपनी स्किन की क्लीनिंग वगैरह नहीं करती, ठीक से नहीं कर पाती। दिन में एक बार चेहरा धो लिया और आपके जो है वो आपको लगता है कि बस आपने इतना भी कर लिया वो भी बहुत है, बट टाइम कोई भी हो, मुश्किल का हो या आसानी का हो, आपने अपनी स्किन की क्लीनिंग करनी है। जैसे कि आप अपनी भूख को मिटाते हैं, खाना खाते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने घर के काम करते हैं, वैसे ही आपके चेहरे को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी केयरिंग की, और साथ साथ आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सफाई मांगता है, क्योंकि चेहरा ही वो पहली चीज़ होती है जो आपका किरदार सामने, अगर आप कोई किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो वो आपके शख्सियत को जो है वो चेहरा नुमाया करता है, तो चेहरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो चेहरे की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे आप बीमार हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, आपने हिम्मत करनी है, अपने चेहरे की क्लीनिंग करनी है। ज़रूरी नहीं मैं आपको ये कहती हूँ कि आप नाइट क्रीम लगाइए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने चेहरे को ठीक तरह से दिन में 2 से 3 बार ज़रूर क्लीन कीजिए, धोइए, फेस वॉश से धोइए, माइल्ड सी क्रीम लगाइए, क्रीम नहीं लगा सकते एलोवेरा जेल लगाइए, एलोवेरा की क्रीम लगाइए, दाग धब्बों से साफ़ रखेगी, मॉइस्चराइज रखेगी, स्किन को आपके एक्नी पिम्पल से रोकेगी, और आपको कोई ज़रूरत नहीं क्रीम लगाने की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं ख़वातीन के साथ कि जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो उनको खुशबू भी कभी कभी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा खुशबू भी उनको सर में दर्द करती है,
सो ये सारी वो कंडीशंस हैं जो एक इस टाइम पे जो है लेडी के दरमियान में आ जाती हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा बात कर रही हूँ कि छाइयाँ जो पड़ती हैं वो ख़वातीन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, और सबसे ज़्यादा जब पड़ती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे पड़ती हैं या आफ्टर डिलीवरी पड़ती हैं। तो इसी वजह से पड़ती हैं, या तो आप खाने पीने में कोई प्रॉब्लम करते हैं, आपके स्किन को वो विटामिंस नहीं मिल पा रहे होते जिससे कि आपकी स्किन फ्रेश हो, आपका चेहरा खूबसूरत नज़र आए, आपका चेहरा क्लीन अप हो। बहुत सारी खुराक भी अहम किरदार अदा करती है, आपकी बॉडी में चेंजेस लाती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग चमकदार दिखाती है, सारा क्रीम्स का कमाल नहीं होता। सो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ वो ख़वातीन से भी रिलेटेड है, और बॉयज़ को भी अगर छाइयों की प्रॉब्लम है तो मैं आपको 2-3 एडवाइस दूंगी कि अपने खाने के ऊपर केयर ज़रूर करें, खाने के ऊपर केयरिंग करें, दूध पिएं, दूध का इस्तेमाल करें, विटामिंस का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, विटामिन सी और ई का इस्तेमाल करें, जिस किस्म के भी जूस में विटामिन ई और सी हो, सीजनिंग में जो फूड आते हैं सीजन में वो इस्तेमाल करें, वो सस्ते भी मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करें। आपके जिल्द ना सिर्फ साफ सुथरी होगी, आपकी स्किन में टाइटनपन आएगा, आपकी स्किन वाइटन होगी और आपकी स्किन को एक ग्लो मिलेगी। सो अब क्रीमों की बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये मसला हो गया है तो ये मसले को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करें। तो मैं यहाँ कंपैरिजन कर रही हूँ कैलीपर्ल क्रीम का, और साथ साथ मेरे पास है इंस्टेलमेंट्स की फ्रेकल क्रीम। इंस्टेलमेंट्स फ्रेकल क्रीम इतनी पुरानी है कि मेरी अम्मी तक इसे यूज़ करती हैं, और माशाल्लाह मेरी अम्मी की उम्र अभी 50 है। सो इस टाइम पर भी वो अभी ये यूज़ करती हैं और इतने सालों से यूज़ करती आ रही हैं। तो उनका कहना यह है कि इंस्टेलमेंट्स फ्रिकल क्रीम एक बेस्ट क्रीम है। अगर अभी कंपनी प्रोडक्ट में कुछ मिलावट करती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इंस्टेलमेंट्स फ्रिकल क्रीम से ना सिर्फ आपके दाग धब्बे ख़त्म होते हैं बल्कि आपकी स्किन से छाइयाँ ख़त्म होती है, आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाती है। कैलीपर्ल क्रीम की बात की जाए तो ये क्रीम जो है वो आपके स्किन से दाग धब्बे ख़त्म कर देगी, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल छोड़ दोगे तो आपके स्किन के ऊपर वापस से दाग धब्बों की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंस्टेलमेंट्स क्रीम का काम आपके चेहरे से फ्रिकल्स को रिमूव करना है, लेकिन जब आप इसे यूज़ करते जाते हो तो ये आहिस्ता 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 करके आपकी स्किन को साफ़ सुथरा करेगी। लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि आप विटामिन सी और ई का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें और अपने चेहरे को सही तरीके से क्लीन करें। सारा काम आप क्रीमों के ऊपर मत छोड़ दिया करें, क्योंकि क्रीमें हैं वो कोई जादू का बॉक्स या पिटारा नहीं है कि जैसे ही आप उसे खोलेंगे तो वो आपके चेहरे को तब्दील कर देगा। तो ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत और बहुत कोशिश करनी पड़ती है अपनी स्किन को सुधारने में, अपनी स्किन के अंदर चेंजेस लाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से आप जब केयर नहीं करते तो उसके बाद जब चेहरा ख़राब होता है तब आप उसको पता चलता है कि अब इसको सुधारना है। तो सुधारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। सो इंस्टेलमेंट्स क्रीम को मैं ज़्यादा पॉइंट्स दूंगी, ये एक बेस्ट क्रीम है। अराउंड आपको 200 रुपीज़ के या 250 रुपए की मिलेगी, अभी पाकिस्तान में प्राइसेस जो है वो अबव हो गए हैं। कैलीपर्ल क्रीम आपको अराउंड 100 रुपीज़ के मिल जाएगी, ये इजीली मार्केट में दोनों मिल जाती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का कोई भी इशू नहीं है, कॉस्मेटिक शॉप से आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप बआसानी घर में ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ब्यूटी की शॉपिंग के लिए आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, यहाँ से मैं बाय करती हूँ। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की शिकायत होती है, सो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारी क्रीम के जो है वर्सेस रिव्यूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी क्रीमों के कंपैरिजन किए हैं। अगर आप उन रिव्यू को वॉच करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो है वो आप रिव्यूज़ को वॉच कीजिए। वहाँ पे मैंने वाइटनिंग क्रीम से वाइटनिंग की क्रीम का कंपैरिजन वीडियो बनाई है, फेयरनेस क्रीम से फेयरनेस क्रीम की कंपैरिजन वीडियो बनाई है, और फेयरनेस वर्सेस वाइटनिंग क्रीम की वीडियो बनाई है। काफ़ी दिलचस्प टॉपिक हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को बेटर गाइडलाइंस मिल सके। मेरे पास काफ़ी रेंज में मैंने 200-300 वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब के ऊपर रिव्यू की। अगर आपका कोई भी मसला है, चाहे वो पिंपल्स एक्नी से रिलेटेड है, तो आप ब्यूटी कॉस्मेटिक यूट्यूब पर लिख सकते हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल, जाकर आप वहाँ से वीडियोज़ वॉच कीजिए, या आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप चैनल पर पहुँच जाएंगे। जो आपके मसले के मुताबिक क्रीम आपको लगता हो, आपके टॉपिक है वो आपके मसले के मुताबिक, आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो वॉच करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको रिव्यू कैसा लगा। तो आज की थी मेरी ये सिंपल सी वीडियो इन दोनों से रिलेटेड। सो मैंने आपको दोनों में कंपैरिजन बता दिया कि ये ज़्यादा बेहतर है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो दाग धब्बे को ये भी रिमूव करती है, बकायदा आपको कंपनी यही लिखती है, यहाँ पर आपको स्किन वाइटनिंग का कहीं काम नहीं बताती। कंपनी का कहना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रिकल, पिंपल्स और आपके सनबर्न को, रिंकल्स को रिमूव करती है, इन्होंने कहीं भी वाइटनिंग का
नहीं कहा कि आपकी स्किन को वाइटन या फेयर बनाती है, जो आपके मसले और प्रॉब्लम्स है सिर्फ उन्हें सॉल्व करती है, ये सॉल्व कर देगी, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करना छोड़ दोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो वापस से आपके पास आ जाएगी। सो इंस्टेलमेंट्स क्रीम का मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सनली तौर पर फ्रेकल्स क्रीम है और फ्रेकल्स और प्लाज्मा और छाइयों के लिए ही बनाई गई है, और इससे जो है वो आपकी, यहाँ पर देख लीजिए लिखते हैं रिमूव फ्रिकल्स, पिंपल्स, स्पॉट्स, फाइन लाइंस द पोर्स, और आपके पोर्स को भी क्लीन करती है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स है और 100 साल से जो है ये 100 साल पुरानी जो है वो क्रीम है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ माशाल्लाह मेरी अम्मी 50 इयर्स की हो गई हैं, वो अभी तक यूज़ करती हैं, उन्हें इंस्टेलमेंट्स की ग्रीन क्रीम से ज़्यादा ये इंस्टेलमेंट्स की क्रीम पसंद है, ये और तिब्बत स्नो क्रीम वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। तिब्बत स्नो क्रीम का रिव्यू भी मैं कर चुकी हूँ, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप रिव्यू को वॉच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिव्यू था, वो भी बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया था। पिंपल्स के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं किसी क्रीम को किसी के साथ कंपेयर करके वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे दोनों क्रीम का नाम और अपनी स्किन टाइप जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।